सर्वप्रथम माँ शारदे माँ सरस्वती जी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार और बारंबार वंदन। और आप सभी का इस पटल पर इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम नमस्कार जो इस लाइव प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं विकास बेनीवाल भादरा तहसील जिला हनुमानगढ़ राज्य राजस्थान से आपके बीच आज लाइव प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। और देवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मुझे छोटे से कलाकार को मौका दिया अपनी बात रखने का और अपनी कविताओं को आपके सम्मुख रखने का, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। आप सभी जुड़ जाएं और सभी जुड़े हुए दर्शकों को मेरा सादर अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य सभी लोगों को इसका फायदा हो सके और मेरा काव्य पाठ सदल हो सके। जी धन्यवाद। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। आज अभी चल रहे किसान आंदोलन के ऊपर भी मैंने एक रचना लिखी थी, सो आपके बीच प्रस्तुत है। किसान के हालात देख ले प्रभु तेरे किसान का, देख ले प्रभु तेरे किसान को बड़ा हृदय विदारक मंजर है। देख ले प्रभु तेरे किसान को बड़ा हृदय विदारक मंजर है। हाड़ से मांस अलग हो गया फिर भी ये जमीन बंजर है, फिर भी ये जमीन बंजर है। तनिक निगाहें डाल कर देख कैसा हमारा जीवन सफर है। तनिक निगाहें डाल कर देख कैसा हमारा जीवन सफर है। जहां भी हम आवाज उठाते, जहां भी हम आवाज उठाते वहां लोगों के पास खंजर है, वहां लोगों के पास खंजर है। ठग ठाकुर भी नोच नोच खाते। बड़ी अनोखी हमारी डगर है, बड़ी अनोखी हमारी डगर है। तुम भी हमसे मुकरे बैठे, तुम भी हमसे मुकरे बैठे। ये कैसी कृपा आपकी कैसी नजर है, ये कैसी कृपा आपकी कैसी नजर है। अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ। धूप में तन सेकता दिन ब दिन, धूप में तन सेकता दिन ब दिन। पसीने से तर बतर हर पहर है, पसीने से तर बतर हर पहर है। खेत की रोटी भी नसीब नहीं। काया भी बुरी तरह जर्जर है, काया भी बुरी तरह जर्जर है। धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं वर्तमान में अपने किसान भाइयों के हालात, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटे हैं और इस दुर्दशा को भलीभांति समझ सकते हैं और देख रहे हैं कि वर्तमान में कितने मतलब कितने दुर्दशा हो रही है। अपनी जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा और इतनी महंगाई भी बढ़ रही है, तो इसके चलते किसान मजदूर और गरीब लोगों का गुजारा कैसे हो, तो ये बड़ी समस्या की बात है। तो सरकार को इसके लिए सोचना भी चाहिए क्योंकि किसान राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी अगर ऊक चुक हो जाए या क्रैक भी हो जाए तो शरीर को संभालना मुश्किल है, उसी प्रकार देश को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अन्नदाता ही तो इस देश का चलाने वाला है। इस देश में जो भी हैं अन्नदाता के ऊपर ही निर्भर है, उनके बिना कुछ नहीं। अब पीछे लॉकडाउन में भी देख लो, लॉकडाउन में सब काम धंधे चौपट हो गए तो सिर्फ अन्नदाता पर भरोसा था, क्योंकि सिर्फ खाने के लिए अनाज ही चाहिए था। इसीलिए हमें किसानों का समर्थन करना चाहिए। जहां हम सही हैं वहां हमें आवाज भी उठानी चाहिए। अन्याय सहना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। ये भी किसी शायर या किसी कहूँ या किसी महान व्यक्ति ने बात कही थी, बड़ी अजीब की बड़ी गजब बात कही थी कि अन्याय सहना भी बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्कुल जी, अन्याय के खिलाफ बोलो, बेझिझक बोलो, क्योंकि हम दबते रहेंगे क्योंकि हम दबते रहेंगे तो हमारा हम वैसे ही रह जाएंगे। यदि इससे उठेंगे,
यदि इससे बाहर जाएंगे तो हम संभल सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। तो मैं अपनी अगली रचना पढ़ता हूँ। अगली रचना है गजल, या हिंदी में सजल कहो। रचना पढ़ता हूँ और फरमाइएगा कि दागी चांद देखा, कि दागी चांद देखा टूटते तारे देखे, दागी चांद देखा टूटते तारे देखे, बारिश में भी धूप के अंगारे देखे, बारिश में भी धूप के अंगारे देखे, गली गली घूमते मंत्री नेता देखे, गली गली घूमते मंत्री नेता देखे, उनके झूठे वादे और नारे देखे, उनके झूठे वादे और नारे देखे, वर्तमान के प्रेमी हीर रांझा देखे, वर्तमान के प्रेमी हीर रांझा देखे, हवस भरे उनके नैनन इशारे देखे, हवस भरे उनके नैन इशारे देखे, सिकंदर बादशाह है सम्राट भी देखे, सिकंदर बादशाह है सम्राट भी देखे, नित बाजी मारने वाले हारे देखे, नित बाजी जीतने वाले हारे देखे, अमीरों की मतलबी दुनिया देखी, अमीरों की मतलबी दुनिया देखी, अयाशी में लुटा दे वो सभी नजारे देखे, अयाशी में लुटाते वो सभी नजारे देखे, हाँ जी कर गले लगाते देखे, मुसीबत में बिछड़े निजसारे देखे, मुसीबत में बिछड़े निजसारे देखे, जो दिल के जज्बाती होते विकास, जो दिल के जज्बाती होते विकास, ऐसे लोग सिर्फ रब के सहारे देखे, ऐसे लोग सिर्फ रब के सहारे देखे। तो ये कविता लिखी थी मैंने, ये कविता कहूँ रचना कहूँ या इसको गजल, मैंने चंद दिन पहले लिखी थी, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये, दिल के बहुत करीब रचना है और मेरी नजर में लिखी भी अच्छी गई है। वैसे तो हर लिखने वाले को अपनी रचना अच्छी लगती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ में फर्क तो होता ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे लिखते हुए इतना समय नहीं हुआ है, सिर्फ 4 या 5 वर्ष मान लो, इतने ही दिन हुए हैं, फिर भी आप बड़े बड़े रचनाकारों के सानिध्य में और अपने श्रोताओं और अपने चाहने वालों के नजरिए में रहकर, सानिध्य में रहकर बहुत जो चाह रहा हूँ वो लिखता लिखता जा रहा हूँ, और दूसरी रही कृपा परमात्मा की, माता सरस्वती जी की, तो वो भरपूर कृपा है जिनके बदौलत आप सबके बीच आज देख लो लाइव का भी पाठ कर रहा हूँ। तो परमात्मा का भी बहुत बहुत आभार है और माता सरस्वती जी की बड़ी कृपा है हम पर कि हम आप सबके बीच हैं आज, और यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा हमारे पाठक चाहते हैं, जैसा हमें चाहने वाले हमसे चाहते हैं, वैसी ही रचना लिखी जाए, और मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि मैं वैसी रचना लिखूंगा, भले मुझे महीने लग जाएं, भले मुझे साल लग जाए, लेकिन मैं ऐसी रचना नहीं लिखूंगा जो किसी को ठेस पहुंचाए, मैं सिर्फ ऐसी रचना लिखूंगा जो सबके मन को भाई, जैसा मुझसे चाहते हैं, जैसा मेरे व्यक्तित्व से चाहते हैं, मैं बिल्कुल वैसी रचना ही लिखूंगा, इससे परे कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं अपनी अगली रचना और आप सबके बीच रखता हूँ। ये रचना लिखी थी मैंने लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले लिखी थी, खेत की रोटी। खेत की रोटी रचना बहुत अच्छी रचना लगी मुझे, आप सबके बीच सम्मुख, आप सबके सम्मुख रखता हूँ और अपने प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। खेत की रोटी होती है कठिन, होती है कठिन खेत की रोटी, सिर्फ किसानों से जुड़ी कसौटी, सिर्फ किसानों से जुड़ी कसौटी, न डकैती न रिश्वतखोरी, न डकैती न रिश्वतखोरी, न चोरी न ही जमाखोरी, न डकैती न रिश्वतखोरी, न चोरी न ही जमाखोरी, न ही कमाई है इसकी खोटी, होती है असल खेत की रोटी, होती है असल खेत की रोटी, मिट्टी का कण कण पसीना नहाया, मिट्टी का कण कण पसीना नहाया, तेज दोपहरी में खून भी बहाया, मिट्टी का कण कण पसीना नहाया, तेज दोपहरी में खून भी बहाया, कैसे कहें, कैसे कहें कि सोच है उसकी छोटी, कैसे कहें सोच है उसकी छोटी, होती है असल खेत की रोटी, होती है असल खेत की रोटी, मेहनत करता वो दिन रात, मेहनत करता वो दिन रात, भगवान से मांगता है फरियाद,
भगवान से मांगता है बरसात, धरा पर आशाएं न तकता चोटी, यानी धरती पर आशाएं न तकता चोटी, होती है असल खेत की रोटी, होती है असल खेत की रोटी। ठग ठाकुरों ने नोच नोच खाया, ठग ठाकुरों ने नोच नोच खाया, सत्ताधारियों ने शिकार है बनाया। ठग ठाकुरों ने नोच नोच खाया, सत्ताधारियों ने शिकार है बनाया। व्यापार की मांग, व्यापार की मांग हल पर लौटी, व्यापार की मांग हल पर लौटी, होती है असल खेत की रोटी, होती है कठिन खेत की रोटी। खेत का जवान, खेत का जवान खेती का प्रधान, राष्ट्र रीढ़ की हड्डी है किसान, राष्ट्र रीढ़ की हड्डी है किसान। खेत का जवान खेती का प्रधान, राष्ट्र रीढ़ की हड्डी है किसान। हार्दिक प्रणाम उनको, हार्दिक प्रणाम उनको, सहस्त्र कोटि, होती है बड़ी होती है कठिन खेत की रोटी, होती है कठिन खेत की रोटी। जी बिल्कुल, खेत की रोटी बड़ी कठिन होती है। ये तो वही जाने जो खेत में जाता है, जो गर्म गर्मी हो या सर्दी हो, कितनी भी लू चले, आंधियां चले, कितनी भी शीत लहरें चले, वो बंदा, वो किसान, वो खेतीहर, वो मजदूर, वो गरीब आदमी जो खेत में जाता है और इन सब परिस्थितियों से जूझता है, वो ही जाने कि खेत की रोटी कैसे होती। खेत की रोटी बड़ी बड़ी कठिन होती है। खेत की रोटी, खेत की रोटी खाने वाला जिंदगी का सलीका समझ जाता है कि जिंदगी कैसे कट रही है। ऑफिसों में रहने वाला नहीं समझ पाता, नहीं ऑफिसों में रहने वाला समझ पाता, नहीं नेतागिरी करने वाला समझ पाता। राजनेता कभी इस चीज को नहीं समझ पाते। यदि समझ पाते तो आज इतना बड़ा मसला नहीं होता, इस मसले का हल जरूर निकलता, यदि समझ पाते। लेकिन नहीं, जो आज चल रहा है बहुत निंदनीय है, बहुत गलत चल रहा है। अपने कितने ही किसान जहां बैठे हैं वहां नहीं होना चाहिए, जहां उनको होना चाहिए वहां वीरान पड़े हैं, तुम्हें खेत वीरान पड़े हैं, किसान रोड़ों पर बैठे हैं। इससे और अपने इससे बड़ी और निंदनीय घटना क्या हो सकती है किसी राष्ट्र के लिए। तो मैं सभी किसानों को यही आह्वान करता हूँ कि जब तक किसान है तब तक देश है। नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जीवी नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। बिल्कुल यह नारा स्टिक है, सही है, कि बॉर्डर पे किसान रहता है और खेत में, बॉर्डर पे जवान रहता है और खेत में किसान रहता है। बिल्कुल जी, जय जय। और मैं आपको रचनाओं के इस सफर में अपनी अगली रचना सुनाता हूँ। अगली रचना है आत्महत्या, यानी कैसी आत्महत्या कि बहुत सोच समझ कर और विचार कर और अपने माहौल में देख कर ये रचना मैंने लिखी थी। और लिखी भी इसको लगभग 6 महीने ही नहीं हुए, क्योंकि बहुत परखने के बाद ये विचार मेरे मन में चल रहा था कि आत्महत्या है क्या, आत्महत्या कौन करता है, किस प्रकार होती है। तो इस पर मैंने एक जीवित रचना लिखी है, तो सुनिएगा और आनंद उठाइएगा। कि बेवजह कोई आत्महत्या नहीं करता, बेवजह कोई आत्महत्या नहीं करता, जनाब खुश होकर कोई नहीं मरता, जनाब खुश होकर कोई नहीं मरता, अपनों के ही आघात ले बैठते हैं, अपनों के ही आघात ले बैठते हैं। बेगानी बातों से कोई नहीं डरता, बेगानी बातों से कोई नहीं डरता, अकारण कोई आत्महत्या नहीं करता, अकारण कोई आत्महत्या नहीं करता। जिंदगी के बोझ से कोई नहीं दबता, जिंदगी के बोझ से कोई नहीं दबता, तनाव बना देते हैं दिल में रहने वाले, तनाव बना देते हैं दिल में रहने वाले, वैसे बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवजह कोई आत्महत्या नहीं करता, जनाब बेवजह कोई आत्महत्या नहीं करता, चेहरे से अंदर का पता नहीं चलता, यानी चेहरे से भीतर का पता नहीं चलता, लाज से ही कदम उठाना पड़ता है, लाज शर्म से ही कदम उठाना पड़ता है, यूं ही जहर का घूंट अच्छा नहीं लगता, यूं ही जहर का घूंट अच्छा नहीं लगता, अकारण कोई आत्महत्या नहीं करता, अकारण कोई आत्महत्या नहीं करता। टूट जाता है जो वो अंदर से नहीं हंसता,
टूट जाता है, जो अंदर से नहीं हंसता, बड़ी भयंकर होती है, बड़ी भयंकर होती है मानसिक पीड़ा, बड़ी भयंकर होती है मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा से जनाब कोई फंदा नहीं लटकता, शारीरिक पीड़ा से जनाब कोई फंदा नहीं लटकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल है भी सही, क्योंकि आत्महत्या कोई जानबूझकर या नादानी में कोई बंदा आत्महत्या नहीं करता, या तो किसी का दबाव होता है इसके पीछे, किसी की आत्महत्या के पीछे बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है, कोई दबाव में, कोई डिप्रेशन में, या कोई किसी को समझ नहीं पाता, तो वो आत्महत्या ऐसे ही नहीं होती। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो वो राजी खुशी थोड़ी कर रहे हैं, उनको तकलीफ है तभी वो आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने ये कविता बड़े ही सोच समझकर और अपने माहौल में इसको परख कर ही लिखी थी, और जुड़े हुए सभी श्रोताओं और दर्शकों से आग्रह है, अनुरोध है कि इस लाइव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी काव्य पाठ से जुड़ सकें और आनंद उठा सकें, जिससे मैं अपनी अगली रचनाओं को पढ़ सकूं। और अपने छायावाद के कवि जिनकी बदौलत हम आज अपनी रचनाओं को, हमारी रचनाओं को जो शैर्य मिल रहा है, वो छायावाद की उस युग की वजह से, उन छायावादी कवियों की वजह से हमें आज ये मौका मिल रहा है कि हम अपने विचार रख रहे हैं, हम अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो हमारे कवि हैं, हमारे कवि हैं महाप्राण, महाप्राण कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, सचमुच में महाप्राण हैं, निरल हैं, बड़े अटल हैं। तो उनकी वजह से आज हम जो भी लिख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, सिर्फ उनकी ही दया दीन है, उनकी ही कृपा है। और उन सभी कवियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हम उनके अनुसरणी, उनके अनुकरणी बने हैं। और कवि निराला, महाप्राण कवि निराला जी पर मैंने एक कविता लिखी थी साल 1.5 साल पहले, तो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, आपके बीच रखता हूँ, क्योंकि हमारे, मेरे जो रोल मॉडल हैं या जो मेरे पथ प्रदर्शक हैं, वो महाकवि की, महाकवि निराला जी की रचनाएं हैं, और मैं महाकवि निराला जी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, अपना मार्गदर्शनकर्ता मानता हूँ, और उनकी रचनाओं से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने किसी कवि को नहीं पढ़ा आज तक, किसी भी कवि को पढ़ी है जो भी रचनाएं, तो महाकवि निराला जी की रचनाएं पढ़ी हैं। तो प्रस्तुत तो है आपके सामने एक महाकवि निराला जी की रचना, कि हिंदी की प्रभा में, हिंदी की प्रभा में नव उजाला, कुछ ऐसे थे हमारे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे थे हमारे महाप्राण कवि निराला। एक एक कर सौजन सब चले, एक एक कर सौजन सब चले, दो बच्चों संग रहे कविराज अकेले, दो बच्चों संग रहे खुद अकेले, साहित्य के सोपान ने संभाला, कुछ ऐसे ही थे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे ही थे महाप्राण कवि निराला। जीवन के विषम हालातों में पड़े, जीवन के विषम हालातों में पड़े, फिर भी परिस्थितियों से लड़े, फिर भी परिस्थितियों से लड़े, अविचल अविचल खुद को खुद में ढाला, अविचल खुद को खुद में ढाला, कुछ ऐसे ही थे महाकवि महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे ही थे महाकवि महाप्राण कवि निराला। अलग विचार, अलग विचार उबड़ खाबड़ रहा है, अलग विचार उबड़ खाबड़ रहा है, फक्कड़ मदमस्त थे बेपरवाह है, फक्कड़ मदमस्त थे बेपरवाह है, बांग्ला हिंदी संस्कृत के रहे गवाला, कुछ ऐसे थे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे थे महाकवि निराला।
आर्थिक संकट दिल के थे अमीर, आर्थिक संकट थी फिर भी दिल के रहे अमीर। सरोज की याद में बहे नैना नीर, सरोज की याद में बहे नैना नीर। पंक्तियों से वेदनाओं पीड़ाओं को निकाला, पंक्तियों से कविताओं में वेदनाओं पीड़ाओं को निकाला। कुछ ऐसे थे हमारे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे थे कवि निराला। सर्वश्रेष्ठ रहे थे अपने स्तंभ के, सर्वश्रेष्ठ रहे थे अपने स्तंभ के। छायावादी प्रवर्तक निकट रहे नभ के, छायावादी प्रवर्तक निकट रहे नभ के। साहित्य की प्रज्वलित ज्वाला, साहित्य की प्रज्वलित ज्वाला। कुछ ऐसे ही थे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे थे महाप्राण कवि निराला। गरीबों के शुभ चिंतक, गरीबों के शुभ चिंतक संवेदनशील। माँ शारदे की कृपा छू गए नील, माँ शारदे माँ सरस्वती जी कृपा छू गए नील। कविताओं की बनाई थी बेजोड़ माला, कविताओं की बनाई थी बेजोड़ माला। कुछ ऐसे थे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे थे महाप्राण कवि निराला, कुछ ऐसे थे महाप्राण कवि निराला। ये निराला जी पर, निराला जी के चरणों में समर्पित रचना, जो भी मेरे विचार थे निराला जी के प्रति, वो मैंने इस कविता में, इस रचना में उतार दिए। वास्तव में निराला जी के जैसा कोई भी कवि नहीं है। मैं कहता हूँ कि निराला जी अपनी दो ही रचनाएं लिखते तो भी वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। दो तो रचनाएं हैं, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। इनकी बदौलत ही प्रसिद्ध हो जाते। और उन्होंने लिखी थी माँ सरस्वती पर, माँ सरस्वती वाणी वीणा पाणी की। तो वो भी आज हम अपने विद्यालयों कॉलेजों में भी वो प्रार्थना के रूप में हम गाते हैं। तो क्या बात है, यही तो सबसे अच्छा हमें लग रहा है कि हमारे बीच आज निराला जी की रचनाएं सजीव जीवित चल रही है और उनका नाम हम ले रहे हैं। हमारे वर्तमान साहित्य, आधुनिक साहित्य में निराला जी जैसे कवियों का अनुसरण करना बहुत अच्छा लगता है। और निराला जी की रचनाओं में बहुत वेदना है, पीड़ाएं हैं, पढ़ के देखना कभी, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, आनंद आएगा आपको पढ़ने में। वास्तव में सजीव दिखाई देता है, जीवित दिखाई देता है जो भी निराला जी ने लिखा। निराला जी का उन रचनाओं में व्यक्तित्व, यानी वो खुद 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 ने खुद लिखा है। कोई मुझे नहीं लगता कि उनकी कविताओं में कोई कल्पना है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इतनी कल्पनाएं नहीं जितनी हम करते हैं। बहुत कम कल्पनाओं का उनमें किया है, बहुत कम कल्पनाएं हैं, वास्तविकता अधिक जान पड़ती है। बिल्कुल जी, वैसे ही महाप्राण कवि निराला जी की रचनाएं बहुत अच्छी हैं। और एक ख्याल है मेरे मन में कि जो मतलब हम लिखते हैं, जो लिखते हैं, तो लिखना हमारे भगवान का दिया हुआ उपहार है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं, किसी का भी अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन जो लिखता है, जो हम लिखते हैं, वो किसी की नकल नहीं कर सकते। हम किसी की भी नकल नहीं कर सकते। लिखना यानी, लिखना एक गॉड गिफ्ट है, यानी भगवान के दिया हुआ सुनहरा उपहार है। तो हमें भी, जो भी लेखक हैं, जो भी लिखने वाले हैं, तो ऐसा लिखो कि सुनने वाले को अच्छा लगे और उसे ऐसा लिखो कि प्रेरणा मिले। सुनने वाले श्रोताओं और पाठकों को आपकी रचनाओं से प्रेरणा मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले, ऐसा लिखो। क्योंकि गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ उपहार है। उस उपहार को ऐसे मत ठुकराओ कि कुछ भी लिख डालो। लिखो, कई दिनों से भले लिखो, साल लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन लिखो ऐसी कि अगले को अच्छा लगे। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम नाचना सीख सकते हैं अनुकरण से, बोलना सीख सकते हैं, लेकिन लिखना तो अपने आप में अद्भुत है, जो हमें माता सरस्वती की कृपा से हमें मिली है। तो मैं माँ सरस्वती का सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं अपनी रचनाओं की कड़ी में अगली रचना प्रस्तुत करता हूँ। अगली रचना है अपने, जो हम वर्तमान में अपने समाज, समाज में, अपने परिवार में और अपने राष्ट्र में देख रहे हैं, उसी के आधार पर एक
मैंने रचना लिखी थी, सदर लिखी थी मतलब, तो वो रचना आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मूंछ का नह रहा पगड़ी का ख्याल, तो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर मैंने यह रचना लिखी थी। मूंछ का नह रहा पगड़ी का ख्याल, बेतुकी बातों पर उठाते रहते हैं बवाल, बेतुकी बातों पर उठाते रहते हैं बवाल, ईमान की धज्जियां उड़ाते क्षण भर में, ईमान इज्जत की धज्जियां उड़ाते क्षण भर में, और बेईमानी निष्ठा से करते हैं बवाल, बेईमानी निष्ठा से करते हैं बवाल। रिश्तों की अहमियत संपत हुई, रिश्तेदारों में पड़ सा गया है अकाल, रिश्तेदारों में पड़ सा गया है अकाल, बेगानी बातों को सजा कर रखते, बेगानी बातों को सजा कर रखते, अपनों की न रही सजो संभाल, अपनों की न रही सजो संभाल, न सच्ची जुबान रही न रही बात, न तो सच्ची जुबान रही न सच्ची रही बात, इज्जत ईमान का बुरा हुआ हाल, इज्जत और ईमान का बुरा हुआ हाल, कदर करो मूंछ की पगड़ी का ख्याल, कदर करो मूंछ की और पगड़ी का रखो ख्याल, कहने को अब क्या बचा जो कहे बेनिवाल, कहने को अब क्या बचा जो कहे बेनिवाल, कदर करो मूंछ की रखो पगड़ी का ख्याल, कदर रखो मूंछ की रहो पगड़ी का ख्याल, रखो पगड़ी का ख्याल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी कड़ी में आपको लगे हाथों एक और रचना सुनाता हूँ, जो मतलब आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, वो चौपाले न रही न वो चौकियां रही, जहां पर हमारे बूढ़े बुजुर्ग बतलाते थे बतियाया करते थे, आज वर्तमान में वो मतलब ऐसा समय आएगा जब कहीं ये किताबों में ही या किन्हीं पुस्तकों में ही पढ़ने को मिलेंगी कि चौपालें हुआ करती थी, चौकियां हुआ करती थी, बैठकें हुआ करती थी, क्योंकि आज की आधुनिकता में हम इतने खोए जा रहे हैं कि वो चौपालें नहीं रही, वो बातें करना, वो मतलब सामूहिक रूप से बैठकर बातें करना वो नहीं रहा। उसके आधार पर मैंने एक कविता लिखी थी, सुनिएगा। चूल्हे चौकों तक रह गई है बैठक, चूल्हे चूल्हे चौकों तक रह गई है बैठक, औरतों ने छीन लिया पुरुषों का हक, औरतों ने छीन लिया पुरुषों का हक, गांव के चबूतरे वीरान पड़े शिद्दत से, गांव के चबूतरे वीरान पड़े शिद्दत से, नव पीढ़ी ने गांव से हड़प ली ये चमक, नव पीढ़ी ने गांव से हड़प ली ये चमक, मोबाइल फोन लेकर बैठ जाते आंगन में, मोबाइल फोन लेकर बैठ जाते आंगन में, घर घर देखने को मिलती यही झलक, घर घर देखने को मिलती यही झलक, शहरीकरण हो गया प्यारी गलियों का, शहरीकरण हो गया प्यारी गलियों का, शहरीकरण हो गया प्यारी गलियों का, स्वार्थ की मुलाकातों ने पैदा किए शक, स्वार्थ की मुलाकातों ने पैदा किए शक, बूढ़े बुजुर्गों की कतई कदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्गों की कतई कदर नहीं करते, मर्दों की शान का अवरुद्ध हुआ हलक, मर्दों की शान का अवरुद्ध हुआ हलक, पेचीदे हो गए हैं अब मसले विकास, पेचीदे हो गए हैं अब मसले विकास, मर्द औरत बने बैठे तो कैसे हो मसले हल, और मर्द औरत बने बैठे तो कैसे हो बैठा, मर्द औरत बने बैठे तो कैसे हो बैठा। रचना मैंने लगभग 5-6 महीने लिखी थी, पहले लिखी थी, हालांकि इसका कंसेप्ट मुझे 3-4 साल पहले भी इसका कंसेप्ट दिमाग में आ गया था, लेकिन जब माता सरस्वती परमात्मा की कृपा हो तभी लिखी जाती है। तो आज की आधुनिकता में हम इतने खोते जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी हम जड़ें हम खुद अपनी जड़ें उखाड़ने में लगे हैं, इतने खो गए हैं, अपनी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो टहनियां फल कैसे होंगे। आप ही सोचो आने वाले दिनों में हमारे बेटे बेटियां, हमारे पोते पोतियां ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बैठक क्या होती है, चौकियां क्या होती हैं, यानी शाम को बैठकर जो बातें की जाती है वो क्या होती हैं। तो हमें इस आधुनिकता में रहो,
अधीनता में रहो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जड़ों को उखाड़ कर मत रहो। जितनी भी जड़ें हम अपनी जड़ें गहरी रखेंगे, जितने जड़ें हम गहरी रखेंगे उतना ही हमें निखार आएगा, उतना ही हमें निखार आएगा। हमारे संस्कार हैं, पूर्वजों के संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसको बचाए रखना हमारा दायित्व है। बुजुर्गों ने बचाया और उसके बाद वाली पीढ़ी ने बचाया, अब हमारा दायित्व है कि हम उस उन दायित्वों को किस प्रकार निर्वहन करते हैं। और निर्वहन करना हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी संस्कृति में जन्म मिला, हमें भारतीय संस्कृति में जन्म मिला, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। कहीं नहीं है ऐसी संस्कृति, और इस संस्कृति को हम अपने हाथों खोदे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का विदेश वाले लोग, अन्य अंग्रेज लोग, वो हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इससे बड़ी संस्कृति कोई नहीं है। और हम इस संस्कृति को दिन ब दिन हम इस संस्कृति से बिछड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और आधुनिकता में इतने खो गए हैं कि हम हमारे अपने बुजुर्ग तक याद नहीं रहते लोगों को। अब देख लो, ये बड़ी विडंबना की बात है। इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है कि हम अपने क्रांतिकारी वीर मान लो, या अन्य जो हमारे पूर्वज, जो हमारे मतलब भारत को आजाद करने में जिन शहीदों के नाम थे, उनको भूलते जा रहे हैं, और आज की आधुनिकता में जो स्टेज पर नाचने वाले हैं, या अन्य कलाकार कहूँ, उनका नाम इतने जुबान पर रहता है, और जो सेलिब्रिटी मानते हैं, जिनको हम आज सेलिब्रिटी मानते हैं, सेलिब्रिटी वो नहीं, सेलिब्रिटी वो थे जो सूलों पे चले थे, जो कांटों पे चले थे, वो थे सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी स्टेज पे चढ़ने से कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, सेलिब्रिटी हमारे रोल मॉडल थे। सेलिब्रिटी कौन थे? सरदार भगत सिंह थे सेलिब्रिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सेलिब्रिटी, वो थे। और हम हैं कि इनको सेलिब्रिटी मानते हैं, इनकी फोटो रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, झांसी की रानी थी, और इनको हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। तो मेरा आज के जो नव पीढ़ी है, नव युवाओं से यही आग्रह है कि हमारा जो रोल मॉडल है, अपने रोल मॉडल ऐसे बनाएं कि रोल मॉडल पर हमें गर्व हो, कि हम उसकी प्रेरणा पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद हैं, युवाओं के सबसे प्रेरणादायक मनुष्य विवेकानंद हैं। विवेकानंद के विचारों को पढ़िए, क्या लिखा था उन्होंने, उनके विचारों को पढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति बच सकती है, हमारे संस्कार सजीव रह सकते हैं। हमें हमारी अगली भविष्य की पीढ़ियों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या किया। तो मेरा यही आग्रह है कि अपनी जो संस्कृति है, संस्कार है, उनको जीवित बनाए रखो। कोई बात नहीं, आधुनिकता में चल रहे हैं, जैसा फैशन है ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं भाई, राम राम की जगह हेलो चल जाए, हाय चल जाए, वो नहीं। हेलो की जगह हेलो ठीक है, हाय की जगह हाय ठीक है, लेकिन बुजुर्गों के सामने हाय हेलो करेंगे तो उससे बड़ी मूर्खता और क्या सकती है। और वर्तमान में हम देख भी रहे हैं, अपने गांव में भी देख रहे हैं, शहर की बात दूर जा रही, ये विडंबना है, ये हमारी विडंबना है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों की है, ये मेरी भी विडंबना है, तो हमें इसको दूर करना है आपस में मिलकर, और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, यानी जिस कौम की भाषा गई, संस्कृति गई, उस कौम का नाश ही हुआ है। कौम को बचाना है और अपनी भाषा को बचाना है, तो अपनी संस्कृति को, अपने बोलचाल को बचाए रखना होगा, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है, तभी हमारी भाषा बच सकती है, अन्यथा नहीं। फिर तो वही बात होगी कि पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने वाली। तो यही आग्रह है सभी से। और आज के लाइव प्रोग्राम में आए सभी श्रोताओं और पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद, तो इतना समय निकाला हमारे लिए। आज का हमारा काव्य पाठ सजीव रहा, बहुत अच्छा रहा, आनंद आ गया वाकई में। और देवेंद्र जी जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, जिनकी वजह से आज मैं अपने विचार रख रहा हूँ किसी मंच पर, किसी जीवित मंच पर, वो भी इतने बड़े कलाकार के बीच।
तो मैं सौभाग्य मानता हूँ और अपने आप को अपने आप पर गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि आज तक मैं लाइव प्रोग्राम में कभी भागीदार नहीं हुआ, नहीं किसी स्टेज पर। आज मैंने पहली बार अपने विचार रखे हैं, पहली बार किसी मंच पर अपना काव्य पाठ किया है। वाकई में आनंददायक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, जय।